हाय गाइस, आई नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला माय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सीबीएसई स्कूल के एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 7 के हिंदी के पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 80। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र में कुल 6 मुख्य प्रश्न। मुख्य प्रश्नों में उप प्रश्न भी दिए गए हैं। निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्रमानुसार दीजिए। अब खंड कौन है? प्रश्न एक, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से छाट कर लिखे। वास्तविक लोग की देश के गाँव देहातों में, इनका संबंध देहातों की जनता से बड़ी जान होती है। इनमें चेता, कचरी, बारामाचा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में जाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवा संबंधी गीत पंजाबी में और ढालू, ढोला मारो आदि के गीत राजस्थानी के में चाव से गाए जाते हैं। लोकगीत का वास्तविक शब्द किससे है? शहर से, कस्बों से, गाँव या देहातों से, दूर दराज के गीतों से? तो देखिए यहाँ आंसर क्या है, गांव और देहातों से। करेक्ट आंसर हो गया गांव और देहातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? कजरी, चैता, मिया, बावलिया, भरतियाली। यहाँ देखिए दिया हुआ आंसर, बंगाल के प्रमुख गीत बिहार, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, भरियाली, पंजाब के महिमा, बंगाल के लोकगीत है बाउल और भतियाली। बंगाल के लोकगीत है, तो आंसर क्या हो गया, बाउल और भरियाली। तो करेक्ट आंसर हो गया नंबर डी, बाउल और भतियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के लोकगीत किस भाषा में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के लोकगीत किस भाषा में पाए जाते हैं? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार पश्चिम जिलों में पाए जाते हैं। कैसे? चैता, कजरी, बारमाशा, शावर आदि मिर्जापुर और बनारस के उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत किस भाषा में? पंजाब और जान होती है चैता, कजरी, बारमाशा, शावर आदि मिर्जापुर, बनारस उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में पाए जाते हैं। बाउल बंगाल के गीत है, पंजाब में मही आदि इस प्रकार के ही रंजा, पंजाबी में ढारो मोरा आदि राजस्थान पर चौ से गाए जाते हैं। तो यह हो गया उत्तर प्रदेश के लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं। पूर्व, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, पूर्वी। महिया लोकगीत कहाँ की देन है? महिया पंजाब में, महिया लोकगीत कहाँ की देन है? पंजाब की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। ये हो गया पंजाब की लोकगीत है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। राजस्थान में कौन से लोकगीत है? राजस्थान में ढालू मोरा, करेक्ट आंसर है ढालू मोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से छाट कर लिखे। इसी तरह जैसे ऊपर हमने रखे क्वेश्चंस को छाट कर लिखे हैं, उसी प्रकार इसको भी हमें ध्यान से पढ़कर इससे पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। एक, इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि कहीं ये तो भी पत्ती गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका छन्ना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसे जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर।
किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान भटक जाता है, ध्यान अटक जाता है, ध्यान रख जाता है, तभी इतना कुतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बालीला देखकर होता है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है हिमालय की बेटियां। गद्यांश के लेखक कौन है? नागार्जुन भवानी प्रसाद रही या सर्वेश्वर नाथ सचेरा? चलिए आप लोग इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट है, लेखक ने नदियों की तुलना किससे की है? लेखक ने नदियों की तुलना किससे की है? तो लेखक ने नदियों की तुलना बेटियों से की है। कहाँ जाकर नदियां विशाल हो जाती है? कहाँ जाकर नदियां विशाल हो जाती है? अभी हमने गद्यांश में पढ़ा, कहाँ जाकर नदियां विशाल हो जाती है? हिमालय में चढ़े कुछ रूप सामने में आया है, दुबली पत्ती गंगा यमुना सतलुज समतल मैदानों में उतर कर कैसे विशाल हो जाती है? कहाँ विशाल हो जाती है? मैदानों में उतर कर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, ये बेटियों ने किए कहाँ जाकर, तो मैदानों में। करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन गो, कहाँ जाकर, मैदानों में जाकर हो जाता है। कहाँ जाकर नदियां विशाल हो जाती है? मैदान में जाकर। लेखक नदियों की तुलना किससे की है? बेटियों से की है। लेखक समतल मैदानों में नदियां कैसी दिखती है? विशाल दिखती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेखक को समतल मैदानों में नदियां कैसी दिखती है? विशाल दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनकर लिखें। वृक्षों के नाम प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों या इनमें से कोई नहीं। धेनु का एकवचन रूप क्या हो जाएगा? धेनु, धेनु, धेनुए, धेनु, धनु, धेनु, धेनु, धेनुए। तो एकवचन इसका हो जाएगा धेनु। हिंदी भाषा में कुल कितने कारक होते हैं? 4, 8, 4, 6, 5। चलिए इसका जवाब आपको देंगे। कड़ा कारक के पटसर्ग क्या है? कर्ता ने। आंसर हो गया को। जो गरजते हैं बरसते नहीं, वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या है? इसको हम बता चुके हैं। आगे बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या है? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यहाँ पे क्या हो गया? इसका आंसर हो गया संबंध वाचक, यानी एक से संबंध हमारा पता चल रहा है। जैसे जो गरजते वो बरसते नहीं, जो और वो, ये एक संबंध दोनों में जुड़ रहा है जो संबंध वाचक होते हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 होते हैं। समाज शब्द में विशेषण बनेगा सामाजिक, सामाजिक, समाजों और सामाजिक, सामाजिक। कुछ फल मुझे दे दो, वाक्य में विशेषण शब्द है कुछ फल मुझे दे दो, मुझे कुछ फल दे दो। आंसर हो गया कुछ। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब हमें जानना चाहिए वाक्य में क्रियापद क्या होगा। काल कितने प्रकार के होते हैं? एंड नंबर 2, इसमें कहानी गढ़ी थी वाक्य का काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंगूर शब्द का शुद्ध रूप है क अंगूर। प्रकट शब्द का शुद्ध रूप है प्रकट। अंगूठा दिखाए मुहावरे का अर्थ है साफ इनकार करना। पछताना शब्द का मुहावरा होता है छक्के छुड़ाना, सिर धुड़ना, ढोल पिटना, सिर धुड़ना, कुत्ता दौड़ रहा है। कर्म के आधार पर क्रिया का भेद हो गया सक्रमक क्रिया। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 2 किलो विशेषण के लिए उचित विशेष्य होगा 2 किलो आम। वह घर
भाग गया, वह घर से भाग गया। करेक्ट आंसर हो गया पर से। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। ये किताबों के प्रश्न पत्र है जिसका जवाब देंगे। नंबर वन, राजा विराट क्या मृणाला नाम से कौन रहा। टू, विराट ने अर्जुन के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा। थ्री, श्री कृष्ण को भोजन का निमंत्रण किसने दिया। फोर, अज्ञातवास में युधिष्ठिर किस नाम से रहे। नंबर फाइव, युद्ध में अभिमन्यु का सारथी कौन। सिक्स, घटोत्कच युद्ध में किसके द्वारा मारा गया। सेवन, दसवें दिन के युद्ध में पांडव ने किसे आगे करके युद्ध किया। एट, युद्ध में दुर्योधन की जगह किसकी गदा से टूटी। नाइन, कौरवों और पांडवों के युद्ध का क्या परिणाम रहा। एंड टेन, महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारिका में कितने वर्षों तक विराज किया। निम्नलिखित प्रश्न के लघु त्रि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वन, खिलौने वालों के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। ख, यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। लिखिए। थ्री, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। फोर, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। फाइव, मीरा को सावन मन भवन क्यों लगने लगा। सिक्स, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। नंबर को निम्नलिखित प्रश्नों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी, क्लास सेवेंथ के हमें मैथ्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए, क्लास सेवन के एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का चार नंबर का एक प्रश्न, तीन नंबर का। नंबर वन, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। टू, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में जाता था, क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्र सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। थ्री, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। एंड नंबर फोर, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया जा सकते हैं। खंड को क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। सीमा, शब्द सीमा 80 है, हमारा देश भारत, विद्यार्थी जीवन या मेरी माँ, इनमें से किसी एक पर हमें अनुच्छेद लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखन कीजिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, या अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन की शादी का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लेखन कीजिए। शब्द सीमा 50, गर्मी की छुट्टियां साथ बिताने के विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लेखन कीजिए, या दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद लेखन कीजिए। ये थे क्वेश्चन पेपर हिंदी सेवेंथ एनुअल एग्जामिनेशन के। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको हेल्पफुल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।